स्वच्छ परियोजना कार्मिकों का धरना दूसरे दिन भी रहा जारी। शाहबाद परियोजना कार्यालय परिसर में दे रहे हैं धरना। हड़ताल पर होने से सभी मांवाड़ी केंद्र पर लटके हैं ताले। नौ सूत्रीय मांगों को लेकर चल रही है हड़ताल। वही आज बता दें कि स्वच्छ परियोजना कार्मिकों का धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। सरकार से स्वच्छ परियोजना कार्मिकों की नौ सूत्रीय मांगों को लेकर चल रही है हड़ताल। धरना पे बैठे हो, किस कारण से बैठे हो? स्वच्छ परियोजना अंतर्गत, जो कि जनजाति के अंतर्गत संचालित है, उस परियोजना में यहाँ पे जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो करीब 20-25 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं। और इसमें हमारे संविदा कार्मिक हैं जो टीवी प्रोजेक्ट को देखते हैं, उसके बाद में प्लेसमेंट कार्मिक हैं जो मावाड़ी को देखते हैं, निर्माण कार्य को भी देखते हैं, उसके स्वास्थ्यकर्मी योजना के अंतर्गत स्वास्थ्यकर्मी भी हैं, और हमारे एक मावाड़ी स्कीम है तो उसमें अपने शिक्षा सहयोगी हैं, ये भी बहुत पुराने समय से कार्य कर रहे हैं। और किसी के इनके जो वेतन का संबंध है हमारा, सबसे ना तो इनका स्थायीकरण किया गया अब तक, ना इनके कोई वेतन में वृद्धि की जा रही है, बार बार आश्वासन दिया जा रहा है। और हमारी सबसे नीचे कड़ी है स्वास्थ्यकर्मी, जिसको वर्तमान में 2800 रुपये इनको मानदेय दिया जाता है। उस 2800 में आज के महंगाई में परिवार का कैसे भरण पोषण होगा, अपने परिवार को कैसे ये पालन पोषण करेंगे? और ये हमारे शिक्षा सहयोगी हैं, इनका भी वेतन है, हमारे जो भी अपने प्लेसमेंट कार्मिक हैं इनका भी है, और हमारे प्लेसमेंट कार्मिकों को एक साजिश के तहत इन्होंने फंसा करके और इनको जो पद दे रखे थे उन पदों से भी इनको पदनावत किया गया है। यानी पहले क्या है, सुपरवाइजर थे, फिर इनको अभी MTS लगा दिया गया, कभी क्या कर दिया गया, तो वो हमारी कई समस्याएं हैं। और ये हमारे समदा कार्मिक हैं जिनको करीब 98 से कार्य कर रहे हैं, और ये TB का बहुत बड़ा, क्योंकि 12 जिले के अंदर स्वच्छ का जो मूल उद्गम था वो ये हमारा TB प्रोजेक्ट ही हुआ करता था। तो आज TB प्रोजेक्ट आज भी हमारा है, और आज यहाँ पर 12 जिले के अंदर, जबकि शाहबाद और किशनगंज एक शहरी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर शराब की बिक्री ज़्यादा होती थी, इस कारण इनको क्या TB के पेशेंट बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। आज TB यहाँ पे करीब बहुत कम है, नगण्य रह गई है, जो कि इन स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा, सुपरवाइजर हैं इनके, इनकी बहुत लगन और मेहनत से अपन यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन इनको जो लगन मेहनत से किया तो इनको आर्थिक रूप से कोई संबल नहीं मिला। जितने भी कार्मिक हैं वो उसी दर पर काम कर रहे हैं, कोई इनको किसी तरह का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये धरना प्रदर्शन आपका कब तक चलेगा? ये हमारा जब तक हमारी मांग है, हमारे प्रशासन है, श्रीमान परियोजना प्रबंधक महोदय उदयपुर, श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष निदेशक महोदय, और श्रीमान कमिश्नर साहब जो कि हमारे अध्यक्ष हैं स्वच्छ परियोजना के, जब तक हमारी मांगों पर कोई उचित निर्णय नहीं हो जाता है तब तक हमारा धरना ये लगातार चलता रहेगा।